अगर आप एक साउंड बार सर्च करेंगे 2500 रुपीज से नीचे तो आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर आप एक वायरलेस साउंड बार ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुर आज पे एक और वीडियो में बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक साउंड बार की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं, उसका साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि साउंड बार खरीदने लायक है या फिर नहीं। ये साउंड बार प्रोटोनिक्स की तरफ से आती है और ये एक वायरलेस साउंड बार है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। अगर आप बॉक्स पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्योर साउंड प्रो 2, उसके नीचे लिखा हुआ है बैटरी पावर्ड साउंड बार विद रिमोट। अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट, USB, ब्लूटूथ, ऑक्स इन, माइक्रो SD कार्ड। इन सब चीज़ों के थ्रू आप इस साउंड बार को चला सकते हैं। राइट साइड भी सेम चीज़ लिखी हुआ है और लेफ्ट साइड देखें तो वहाँ पे प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग है। अगर हम बॉक्स के इधर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कैन इंटरफेस टू एनी पॉसिबल डिवाइस, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB ड्राइव, माइक्रो SD कार्ड, मोबाइल्स, टैबलेट, लैपटॉप्स। यहाँ पे साउंड बार के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। अब हम फटाफट साउंड बार को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमें साउंड बार के अलावा बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहली चीज जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती है साउंड बार के अलावा वो है रिमोट, जो दूसरी चीज मिलती है वो है मैनुअल, और जो तीसरी चीज है वो है ऑक्स केबल, और अगर हम चौथी चीज की बात करें तो वो है एक USB केबल। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो इसकी लेंथ है 456 mm। अगर हम बात करें ब्रेथ की तो ब्रेथ है 64 mm। अगर हम बात करें हाइट की तो इसकी हाइट है 58 mm। ये एक कॉम्पैक्ट साइज की साउंड बार है, ये आपको साउंड बार बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को नहीं मिलती है। आपको इसके फ्रंट में 2 5.5 watt के स्पीकर मिलते हैं और उसके साथ में आपको 2 tweeter भी मिलते हैं। अगर हम बात करें पोर्ट्स की तो इसके सारे के सारे पोर्ट्स हैं वो आपको इसकी बैक साइड में देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला है वो है आपको ऑन ऑफ बटन, जिसके थ्रू आप इसे ऑन या फिर ऑफ करेंगे। जो दूसरी चीज़ है वो है माइक्रो USB का पोर्ट, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे। जो तीसरा है वो है USB केबल के लिए, मतलब आप इसमें डायरेक्टली पेन ड्राइव लगा के भी आप गाने चला सकते हैं। जो चौथा पोर्ट है वो है SD कार्ड का, यस आप एक डायरेक्टली SD कार्ड लगा के इस साउंड बार में सॉन्ग चला सकते हैं। और जो सबसे लास्ट है वो है ऑक्स केबल के लिए, आप ऑक्स के थ्रू अपने फ़ोन से, अपने MP3 प्लेयर से, अपने लैपटॉप से गाने चला सकते हैं। और जो सारे के सारे बटन है वो आपको इसके टॉप में देखने को मिलते हैं, मोड का बटन, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का बटन, फास्ट फॉरवर्ड स्लो करने का बटन, वो सारे सारे आपको बटन इसके टॉप में मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको कौन कौन से मोड मिलेंगे जब आप जो टॉप पे मोड वाला बटन है उसे प्रेस करेंगे। तो मेमोरी कार्ड मोड, OX इन मोड, FM मोड, ब्लूटूथ मोड, मेमोरी कार्ड मोड। अब हम बात करते हैं साउंड टेस्ट की। मैं सबसे पहले आपको एक मूवी का ट्रेलर चला के दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ सकें कि जब आप मूवीज देखेंगे तो आपको कैसी ऑडियो सुनने को मिलेगी। डिवाइस पैड। जब से दुनिया बनी है तब से हर कोने में सिर्फ एक ही जंग हुई है, सही और गलत की, रोशनी और अंधेरे की। ISC का कमांडर अबू इस्मान ने 25 भारतीय नर्सों को किडनैप कर लिया। अब मैं आपको सॉन्ग चला के दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ सके कि जब आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको कैसी आउटपुट सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आपने स्पेसिफिकेशन देख ली, इस साउंड बार का साउंड भी सुन लिया कैसा है। अब मैं इस वीडियो को सिंपल प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे आप समझ सकें कि ये साउंड बार आपके लायक है या फिर नहीं। अगर हम बात करें प्रोज की, तो सबसे पहली चीज़ मेरे को इसमें अच्छी लगी है वो है इसका पोर्टेबल साइज। एक साउंड बार के हिसाब से इसका साइज पोर्टेबल है, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और एक
छोटा भी नहीं है कि आप कह सके छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, इसका साइज एवरेज है। अगर आप कैरी करके अपने कार में भी ले जाना चाहते हैं तो आप इसे ले जा सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि साइज पोर्टेबल है। दोस्तों जो दूसरी चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगती है वो है इसका वायरलेस फंक्शन। आपको इसको चलाने के लिए कोई भी वायर नहीं चाहिए, ये बैटरीज पे काम करता है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसका ऑन बटन दबा के आप इसे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो तीसरी चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगती है वो है इसका साउंड। इसका साउंड बहुत हाई है और एक साउंड बार के हिसाब से जिसका प्राइस अराउंड 2200 है उस हिसाब से ये साउंड बार का साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कह सकते इसका वॉल्यूम लो है, इसका वॉल्यूम भी हाई है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी होगी, कोई भी चीज़ के अंदर प्रोज होते हैं तो उसके कौन भी होते हैं। जो सबसे पहली चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी नहीं लगती है वो है इसका ऑन ऑफ बटन। इसके अंदर आपको स्लाइडिंग वाला ऑन ऑफ बटन मिलता है जो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। और जो दूसरी चीज़ है वो मैं कहूँगा मेरे को ठीक लगी है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, वो है इसकी बेस। इसके अंदर आपको बेस अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको हैवी बेस नहीं मिलती है, आपको इसके अंदर अच्छी बेस देखने को मिलती है। इसके अलावा मेरे को ना इसके अंदर कोई और चीज़ अच्छी लगी है ना ही कोई और चीज़ इसके अंदर मेरे को बुरी लगी है। अगर हम बैटरी लाइफ भी इसकी सही है, आप 5-6 घंटे तक एक बार चार्ज करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिससे और लोगों को भी साउंड बार के बारे में पता चले, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे जो गोल सर्कल आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।